बोलूँगा, उसमें आवाज़ नहीं आ पाएगी। देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता समर की पहली वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की शहादत की 164वीं वर्षगांठ है और ग्वालियर की धरती पर उनके इस बलिदान दिवस का बहुत विशेष महत्व है। इसलिए क्योंकि आज हम जहां खड़े हैं उसी धरती पर भारत माता के लिए रानी ने अपने खून से आज़ादी का अभिषेक किया था। पिछले 22 सालों से हम दो दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला ग्वालियर में लगाते रहे हैं। जलियांवाला बाग से भी कहीं बड़ा शहीदी जश्न ग्वालियर में होता है। दो दिन का ये बलिदान मेला होता है। आज झांसी के किले से रानी की पुण्यात्मा के प्रतीक के रूप में शहीद ज्योति आई। उस समय जब रानी ग्वालियर आई होंगी तो वो परतंत्र भारत था, वो गुलाम भारत था, और तब ग्वालियर के मन में कहीं ये इच्छा शेष रह गई कि हम इस आज़ादी की परवानी का वो स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन आज तो स्वतंत्र भारत है और उनकी पुण्यात्मा के प्रतीक के रूप में हम शहीद ज्योति का फूलों की पंखुड़ियाँ बिछाकर स्वागत करते हैं। तो आज ये शहीद ज्योति हुई है। कल प्रातःकाल 8 बजे पुष्पांजलि होगी बलिदान दिन की, और उसके बाद में स्वरांजलि के रूप में 58 के शहीदों के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रानी का बलिदान 1858 में ग्वालियर की धरती पर हुआ है। हम जो महानाट्य करते हैं, कवि सम्मेलन करते हैं, ये आयोजन रात्रिकालीन होते हैं 18 तारीख के। इस बार चूँकि आचार संहिता का बंधन है और हम वीरांगना के सम्मान में किसी प्रकार का विवाद नहीं लाना चाहते हैं, नियमों का पालन करते हुए हमने वो कार्यक्रम स्थगित किए, लेकिन नवंबर में जब रानी की जयंती होगी तो इसकी पूर्ति हम महारानी की जयंती के दिन ग्वालियर में करेंगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में।